स्कॉटलैंड की जा रही है और वापस घर में जाना चाहते हैं। बाहर निकले एक प्लेयर को नॉक करते हैं, बट वहीं पे एक और प्लेयर बाहर मौजूद है। देखो नॉक डाउन किया जा रहा है, एंड ज़िबियान ऑन द मूव राइट नाउ, एंड प्लेयर को उसी तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। जोकर ओपी आते जरूर है, लेकिन जितनी तेजी से आते उतना तेजी से उनको एलिमिनेट किया जाता है। टीम मैग्नस लाइन पे वाइट आ चुके, टीम स्टार वर्सेस टीम क्यूवर्टी रिव्यूज विद द फर्स्ट नॉक, दो प्लेयर को इनफैक्ट कंफर्मेशन की जाती है। लेकिन जैसे मैं जो नंबर मेंटेनेंस की बात करता हूं, वहीं पे यहां पे सीएस को एलिमिनेट कर दे, इवन बॉय को नॉक किया जाता है, वहीं पे 141 जेडी की साइड से जरा देखो स्पॉट किया जाता है। देयर वी गो, फाइनल नेट कुकिंग किया जा रहा है, पिन पुल आउट की जा चुकी है, नेट भी जाता है यहां पे हवा में रहने वाला है, बट रेड डेट के शहीर का जारी है चिकन डिनर की उस पोजीशन को मल्टीपल टाइम कैपिटलाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली 420 को स्पॉट किया जाता है, ब्लेड की साइड से अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी शॉट्स, एंड यहां पे नहीं, दो प्लेयर को कनेक्ट करते हैं, इनफैक्ट ये बूट कैंप की फाइट में कन्वर्ट करते हुए रिव्यूज भी अपनी टीम के लिए हो चुके हैं। टीएस अब आखिरी रह चुके हैं, H2E भी काफी हद तक डैमेज हो चुकी है, रिटायर्ड यहां पे मौजूद है। टीएस फर्स्ट हिट लगा जाते हैं, एंड टीम मैग्नस का ज़िबियान का जो नेड होता है वो उतना ज्यादा यूटिलिटीज में इस टाइप पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। स्पॉट की शॉट लैंड की जाती है, एंड ज़िबियान टू गुड विद द गन, और वही करते हैं, एम करते हैं जाते, बट अब दोनों प्लेयर फनल एंगल बनाते हुए आखिरी प्लेयर पे पुशन करना चाहेंगे। इट्स अ 2v1, बट मुर्तजा कैन यू डू इट, ज़िबियान अ डिफरेंट एंगल पे एक अपना जलवा बना के रखे हुए, बट एक और ऑफ एंगल से प्लेयर को है विद आरएफ कमिंग इन, टेक वन डाउन, और साइको ब्लेड को नॉक करते हैं, और अब फलक भी एलिमिनेट हो जाएंगे। टीम एगोना का ये कैसे जाता, मलिक को स्पॉट के लिए जाएगा, ज़िबियान खड़े होते हैं, चार्ज अप करते हैं, शॉट्स ऐड करते हैं, लेकिन साइको के पास इतना टाइम नहीं रहता वो शॉट मार के, और डेफिनेटली अभी तो बहुत पोटेंशियल रहता है किसी भी टीम का लेके जाने के, लेकिन दानियाल के लिए ये गेम खत्म हो चुकी है। यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे स्पॉट करते हैं प्लेयर को, और वहाँ पे उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और वहाँ पे दानियाल के लिए गेम काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ खत्म कर दी जाती है। एक तो नाम भी इतना मुश्किल रखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड मगली बाइट को कहूँगा, H2SO4 कहने से तो मेरे लिए मैं कहता हूँ मेरे सब थोड़ा सा जब वहीं पे 3x अभी भी डोमिनेट कर रही है इस टाइम पे मैच रैंकिंग के अंदर, बट लुक एट दैट, व्हाट अ वंडरफुल लीड। स्टकात्मा जितनी ज्यादा टीम डोमिनेट कर रही थी 12 के लेके जाने के बाद ये टीम नहीं पता, लेकिन गाड़ी के मौजूद होने से किसी ना किसी को अंदाजा हो चुका है अंदर की तरफ प्लेयर मौजूद है। वंडरफुल नेड आता रहा पे की साइड से नॉक कर 41 का टीम मैग्नस, उनको सर्वाइव करना है, मैग्नस के प्लेयर को सर्वाइव करना है, समहाउ RCG के लिए जो गैप है वो लोग क्लोज करते निदान है, बट ज़िबियान यहां स्पॉट हो जाएंगे, इसका मुजाहरा कर रहे हैं, दाद देनी पड़ेगी कि प्लेयर को पता है कि कितना ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट एफ रहने वाले, बट लुक एट टीम 7E T24 अपनी टीम से पीछे रुक के अपनी टीम का बैक से स्काईलाइन के रिमेनिंग दो प्लेयर्स भी रहने वाले कंपाउंड के अंदर, बट मिस्टर ब्लैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज है इस प्लेयर के रहने वाले बात ही जी, टीम के बहुत करीब बात चुके हैं, ऐसा ऐसा उनको स्पॉट किया जाता, बट व्हाट अ शॉट बाय सीनियर साइड में मजीद और कंट्रीब्यूट करें वो होना बाकी है, लेकिन जोकर ओपी कहते हैं नेट बहुत हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस कर चुकी जहाँ पे प्लेयर लूज करती टीम ऐसा कि नेक्स्ट यहाँ पे बुल्लू के बिल्कुल पास है लास्ट प्लेयर को स्पॉट करके जैन को, बट ज्यादा डैमेज आउटप्ले नहीं किया जाता, ऑलरेडी सीनियर का जो गियर है बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके, लेकिन उसके बावजूद ये MVP खिलाड़ी अफजल खान 420 अच्छा के किक प्लेयर को रॉक करते हैं, नेक्स्ट भी आने वाले कैन पुल ऑफ 1v2 एज़ वेल, लेकिन वहीं पे नेक्स्ट को भी लॉकडाउन कर जाते हैं, तो जो एक शहीद को एलिमिनेट करता है पैकेज वापस स्पॉट आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, कुकू पॉट कैन सील द डील, नेट बैंक का जाएगा, उनके सारे शॉट्स लैंड की जाएंगे, एक ही प्लेयर रह चुका है, TBS शॉट लैंड थ्रू कर अंदर तक जाते हैं, और वहीं एज अ टीम एक एक प्लेयर को पिन डाउन करते हुए जा रही है, शामी एकर दोबारा से जोकर ओपी को भी नॉक आउट कर जाते हैं, TBS का जो जलवा है वो दिखाया जा रहा है, एंड टीम क्यूवर्टी बैक फुट जाइए के ब्लेड यहां पे बाहर की तरफ निकले, TBS के पास आने वाली जोकर सर को शॉट लैंड करते, बट वही पे टीम टफ के प्लेयर्स फाइनली जोकर सर में वही देख रहा था कि ब्लीड आउट हो रहे, उनको जाके रिवाइव किया जाता है, लेकिन गो सही टाइम पे कैपिटलाइज करते हैं, टफ के H2SO4 को डॉक एंड फिनिश किया जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी के बाद लेकिन फॉलोड बाय एक और नेट फेंका जाते हैं, फाइनली ज़िबियान की जो TBS है वो जवाब दे, क्या ये नहीं बच पाएंगे डॉलिन, अभी इनको शायद अंदाजा नहीं कि टीम साहब वहां पे मौजूद है, बट अगर कैन यू डू इट, कैन यू मेक अ मूव, ऑब्वियसली यू कैन, फाइनली एंड फाइनली द मोमेंट ही वाज श्योर के मलिक श्योर के ये नेट काउंट करे, एंड फ्यूरी जो कि ऑलरेडी हाफ एल पे रहने वाले थे वो पूरी की पूरी डिस्ट्रैक्शन बना के रखे।
रखे हुए थे कायरो के थ्रू, बट बैक टाइम से टीम स्टार को, स्टार ने टीम थ्रेस के तीन प्लेयर को नॉक आउट करने के लिए आई भी है। लॉन्ग डिस्टेंस फाइट में दोबारा से टोकोसॉरस को नॉक आउट किया जाता है, लेकिन डिवाइन इनकी इंक्लूजन में रिवाइव दिया जाता है गोकू बॉट को, लेकिन विदाउट स्मोक विदाउट व्हीकल इतना ओपन में जाना और दो तीन नॉक डाउन हो चुके हैं। रैपिड एट फेंकना चाहते हैं, राइट साइड से आएंगे एंड देयर वी गो वन मोर प्ले डाउन, बट खान 420 समहाउ मिरेकुलसली सरवाइव करते हैं, एक नहीं दो प्लेयर्स को एलिमिनेट करके, मतलब यहां पे पूरे साथ ही साथ पूरी की पूरी 141 के एलिमिनेट। डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे टीम हेलोजर के जो कि वो आ जाएंगे, सवाल ये कि क्या जाते जाते किल कंफर्म कर पाएंगे, द आंसर इज गोना बी नो। एंड टीम रेड डेट फाइनली सनॉक के फास्ट पेस मैदान पे एक ऐसी टीम का विनर विनर चिकन डिनर आता है जो कि डे वन में काफी ज्यादा पोजीशनिंग में आने का ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो बिल्कुल वो टॉप थ्री में आ पाती है या नहीं पाती, बट यहाँ कैन डील द डैमेज एंड फॉर नाउ जिनाजा यहाँ पे उनको नॉक डाउन कर चुके हैं। एंड गेम के ऊपर शॉट लैंड की जा रही है, इनकमिंग फ्रॉम बिहाइंड डीबीएस, हिज कैन ही डू इट, एंड यस इट, जर्मनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं, मैग्नस इज वेगा स्पॉट के शॉट लैंड की जाएगी एंड ही गेट अ 1v1 जाते हैं। और टीम रेड डेट को बताया जाता है कि वो अब यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले, इतने भी इजी टारगेट रहने नहीं वाले, बट अब फाइट बदल के आ जाती है, इट्स नेट वर्सेस नेट, बट नेट ज्यादा काम तमाम करता है गॉन एक साइड गोस का, ये कि नेट कितना ज्यादा क्लोज एंड पे कनेक्ट करता है, पेका जरूर जाता है, यस इट विल कर ली जाती है, लेकिन इनके साथ साथ अगर तो प्लेयर रिवाइव हो जाते हैं तो टीम 8vg मजीद और पोटेंशियल कंटेंडर्स बन के निकल के आ जाते हैं। एक और टीम का एलिमिनेशन ऊपर, और ये वही 8vg है जो कि कार के नीचे देखिए अपने ओपोनेंट को नॉक डाउन करती है, और दोबारा से वही टैक्टिक अपनाई जाती है, एक प्लेयर को इनफैक्ट दो प्लेयर को इन सारी फाइट में नॉक डाउन करा जाते हैं, लेकिन अब टीम और वो चीज उस चीज को यकीनी बनाने के लिए क्लोज लाइन पे भी आ चुके, एक और किल कंफर्म किया जाएगा, लेकिन बाज रिवाइवल दे रहे हैं, बट बबलू हमारी टीम सामने आ चुकी है और मेरा